अहमदाबाद साबरमती आश्रम के हृदय कुंड में 1918 में गांधी जी ने चरखे का उपयोग 4 महीने तक किया। इसके बाद चरखे को बदल दिया गया, पर उनके बैठने की जगह में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उनके अलावा अभी तक कोई भी मेहमान वहां नहीं बैठा। 88 वर्ष बाद यह परंपरा टूटी और बापू के बैठने के स्थान पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू बैठ गए। भूल से बैठ गए होंगे। 1930 तक गांधी जी यहीं रहे। इसके बाद 88 वर्ष बाद यह परंपरा बुधवार को जब टूटी, जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वहां बैठ गए। इस संबंध में आश्रम स्मारक ट्रस्ट के मंत्री अमृत मोदी ने भास्कर को बताया कि गांधी जी बैठते थे उस जगह पर उनका चरखा रखा गया है। सामान्य दिनों में यहाँ बैरक होती है, पर जब किसी महानुभाव का आना होता है तो यह स्थान बदल दिया जाता है। यहाँ गद्दी और चरखा देखकर नेतन्याहू को लगा होगा कि यह बैठने की जगह होगी, इसलिए वे भूल से बैठ गए होंगे।